हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू फैमिली ब्लॉग्स में, और मैं हूं नताशा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और पहले से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं तो प्लीज़, मेरा एक और चैनल है जो मैंने अभी नया क्रिएट किया, उसमें मैं स्टोरीज डालती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे स्टोरीज सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो मैं स्टोरीज लगा देती हूँ और उनको सुनती हूँ। वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ नॉलेज से रिलेटेड होगी और डिवोशनल होगी, उससे आपको अपने धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में और इन दुनिया में क्या क्या चीज़ें हुई है, जो कि बहुत चीज़ें छुपी हुई है, उन चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, उन चीज़ों का पता चल जाता है। तो इसी तरीके का मैंने एक चैनल बनाया है जिसमें कि इस तरीके की स्टोरीज आपको मिलेगी कि आखिर में किसी चीज़ का इतिहास है तो वो क्यों चीज़ है और क्या चीज़ें फेमस है, अलग अलग तरीके की स्टोरीज मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज उसमें मिलेगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके पास आसपास भी कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसको आप स्टोरी के जरिए बताना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखूंगी। तो प्लीज़, अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो उस चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर शुरू। आज मैं बात करने जा रही हूँ स्वामित्व ब्लॉग्स के बारे में। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है। प्रेगनेंसी अगर किसी को होती है तो वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल होता है, और उस चीज़ में इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आदमी हो या औरत हो, औरत का नाम बहुत ज़्यादा तारीफ से लिया जाता है कि वो माँ है, लेकिन उसमें एक पिता जो होता है ना, वो भी बहुत कुछ झेलता है, मेंटली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलता है। तो मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ जो ऐसे कपल होते हैं, प्रेग्नेंट कपल होते हैं या फिर जो भी हैं जो बच्चे पाल रहे हैं अपने, हर एक का और हर एक को बहुत रेस्पेक्ट के नज़र से मैं देखती हूँ। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, एक्चुअली बहुत टाइम से जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, कि प्रेगनेंसी को ना खेल लोगों ने बना दिया है, प्रेगनेंसी को पैसे छापने का जो एक जरिया है ना वो बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये व्लॉगर होते हैं ना, कई बार ये प्रेग्नेंट जब होते हैं तो शायद इनको इस चीज़ से ज़्यादा कि भाई प्रेगनेंसी, इससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती होगी कि अब किस तरीके से इसको भुनाया जाए और अब किस तरीके से इससे नोट छापे जाएं। और अति तो जब वहाँ होती है जब इनके तो चैनल उस चीज़ से चल पड़ते हैं, बल्कि जो इनके घर वाले होते हैं वो भी इस चीज़ को भुनाने में कहीं कमी नहीं छोड़ते। अभी बात करने जा रही हूँ स्वामित्व ब्लॉग्स के बारे में। इनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो ब्लॉगर होते हैं सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल देते हैं, और उन्होंने जो गलती की है वो आप लोग ना करें। तो इस वजह से मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो से थोड़ी सी हटके है, जब से इनकी प्रेगनेंसी शुरू हुई है इन्होंने धड़ाधड़ ये ले वीडियो हर एक वीडियो में, अब ये हो गया अब वो हो गया। इन जो व्लॉगर्स की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, एक्चुअली प्रेगनेंसी में नॉर्मल दर्द होना कहीं चीज़ें ये सबको होती है, लेकिन इनका जब सातवां महीना शुरू हो जाता है ना, सातवें महीने से ही तो ये हर दिन डॉक्टर के यहाँ पे कि अब डिलीवरी हो जाएगी, लेबर पेन हो रहा है, नॉर्मल पेन भी इनके यहाँ लेबर पेन हो जाता है, ये है वो है, ये चीज़ें जो थोड़ी ना माइंड को डिस्टर्ब करने वाली होती है, और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे प्रेगनेंसी ब्लॉग से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई नॉलेज दे रहे हो, अगर आप प्रेग्नेंट और ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो नेचुरल सी है कि आप उसमें दिखेंगी भी, थोड़ी बहुत बात भी करेंगे, लेकिन जो आपके टाइटल और थंबनेल सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी पर डिपेंड हो तो उसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठाना। वो इस फैमिली ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करा है, इस फैमिली ने नहीं बल्कि इनके रिश्तेदारों ने भी, जहाँ इनकी जब प्रेगनेंसी हुई वो तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बुनाई, लेकिन जब इनकी डिलीवरी हुई उसके घर, उस वक्त इनके घर में हादसा हो गया कि इनकी दादी सास की डेथ हो गई, स्वामित्व की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर इन्होंने ब्लॉगिंग रोक दी कुछ दिन के लिए। अच्छी बात है, वरना लोग ऐसे टाइम में भी ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ते, लोग तो किसी की मौत को भी नहीं छोड़ते, वहाँ की भी वीडियो बना लेते हैं, बट अच्छी बात है इन्होंने वहाँ की ब्लॉगिंग नहीं करी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर कूदा इनका भाई, भाई ने धड़ाधड़ ले वीडियो, हर एक चीज़ उसकी बहन की के ऊपर डिपेंड थी। मतलब ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी कि बहन अगर लेटी हुई है, किस तरीके से लेटी हुई है, कैसे लेटी हुई है, और भाई उसका वीडियो बना रहा है, ये चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती। अगर कुछ भी, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक है अपने भाई बहन के रिश्ते में, पर फिर भी कुछ चीज़ें होती है जो लिमिट में अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ऑकवर्ड हो जाती है दूसरे लोगों को देखने के लिए।
इससे भी ज्यादा इन्होंने क्या किया कि दरअसल जब इनका जो बेबी हुआ उस वक्त में इनकी देवरानी ने इस चीज का खुलासा कर दिया। उन्होंने खुलासा कैसे कर दिया कि हमारे घर में थाली बजाई गई है, और अपने बेटे से वो बात करी थी तो बोले कि भाई आया है, भाई आया है, तो वो चीज़ वहाँ पर खुल गई, लोगों को पता चल गया लड़का हुआ है। तो इन्होंने वहाँ पे जो है वो श्याण पत्ती दिखाई और उस वीडियो को डाउन करवा दिया, या कहे कि हाइड करवा दिया उस वीडियो को। उन्होंने अपनी देवरानी से तो वीडियो बंद करवा दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके भाई के मुंह से जो चीज़ें निकलती थी उससे साफ पता चल रहा था, जो केक कटा था उससे साफ पता चल रहा था कि लड़का हुआ है, लेकिन इनके भाई ने फिर भी वो चीज दिखाई। इसके बाद में फेस तक रिवील हो गया था इनके भाई के वीडियोस में, लेकिन वो वीडियोस नहीं हटी क्योंकि वो बात आ रही थी इनके भाई की। तो इसे कहते हैं कि भाई को बेनिफिट देना और जो है ससुराल वालों को पीछे कर देना। इसके बाद में इनको गालियां पड़नी शुरू हो गई। जब इनके जो फैमिली वाले थे वो दिन ब दिन इनके घर में रहने लगते थे, खैर वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि घर वाले क्या करें, क्योंकि शायद वो है कि उस वक्त उनको जरूरत भी थी कि कोई सपोर्ट करे, तो इसलिए इनके घर वाले काफी ज्यादा इनके ससुराल में इंटरफेयर कर रहे थे। वो इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे नहीं जाएंगे हम, जाएंगे यहाँ पे कि सोशली जो मैसेज दिया जा रहा है वो चीज गलत है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ब्लॉगर जो जिनके ऑलरेडी इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, अगर वो ये चीज़ें हरकत करें तो उन चीज़ों को अगर कोई नया क्रिएटर है और नया आया है तो क्या वो इन चीज़ों के लिए अपनी प्रेगनेंसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्या वो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाएगा? तो मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कहना चाह रही हूँ कि ये लोग जो इन लोगों को देख कर जो हाइपरटेंशन होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है। आप समझ सकते हैं कि एक एक जो प्रेग्नेंट एक लेडी होती है वो प्रेगनेंसी के बारे में ही खोजती रहती है। जैसे मेरी लेप्रोस्कोपी होनी थी तो मुझे लेप्रोस्कोपी के बारे में ही खोजती रहती थी मैं। तो वहाँ पे कई लोग तो उसे बहुत नॉर्मली लेते थे, कोई लोग उसको डरा देते थे बिल्कुल। तो दो अलग अलग चीज़ें होती थी, लेकिन वो लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता था। बट यहाँ पे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इनको कोई एक्सपीरियंस भी तब तक नहीं होता, तो इनके 7 महीने से ही लेबर पेन शुरू हो जाता है लोगों का, 7 महीने से ही ये हॉस्पिटल में एडमिट शुरू हो जाते हैं। और लास्ट टाइम पे होता क्या है कि भाई ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये है वो है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं, ये नहीं बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को खेल बना के रखे हैं। और ये अभी तो 9 महीने पहले तो प्रेगनेंसी का जब से बच्चा हुआ जब से खेल चल रहा है, मतलब ये कितना चलेगा। और जो लोग इनको फॉलो करते हैं देखते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि भाई देखो किसी को, अगर आपको कोई पसंद है देखो, लेकिन किसी के लिए इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हाँ इनके साथ में तकलीफ हुई थी, बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी, और ये बच के उस चीज से निकल गई, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं गलती इनकी और इनकी फैमिली की भी थी। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, कोई सीखना चाहते हो, ये चीजें सीखो कि कोई सी चीज ना करनी चाहिए, ना कि ये चीजें सीखो कि ये प्रेगनेंसी में क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से कम ब्लॉगर ऐसे हैं जो कि इन चीजों को इस तरीके से दिखाते हैं और इस तरीके से सही तरीके से दिखाते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी हाँ जो इनसे अपर लेवल के क्रिएटर है, जैसे कि फ्लाइंग डिस्ट के आप ले ले, और निहाल या फिर पता ही नहीं कुछ ऐसा ही नाम है, बाइक करके शायद उनका कुछ है। तो इन्होंने जो था अपनी वाइफ की डिलीवरी तक दिखाई थी जब वो लेबर पेन में थी। ऑकवर्ड लगा था उस वक्त भी, बहुत कुछ अजीब लगा था, लेकिन इन लोगों ने भी अपनी प्रेगनेंसी को इतना ज़्यादा नहीं भुनाया था यार। इतना भी ओवर नहीं करना चाहिए जो लोग देख कर इरिटेट हो जाए। पहले प्लान कर रहे हैं, फिर प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी, फिर फेस रिवील, फिर ये है, फिर वो है। अब इनका, इनके पूरी फैमिली का, भाई का भी और इनका भी, सबका भी अब पीलिया चल रहा है। वो पीलिया चलेगा, पता ही नहीं कितने दिन तक पीलिया चलेगा, क्या क्या दिया, क्या क्या लिया, सब कुछ। मतलब ये चीज़ें इरिटेट करने वाली है और इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। ब्लॉगिंग का मतलब जो है अब लोगों ने चेंज ही कर दिया, वो ब्लॉगिंग के नाम पर पता ही नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पर हो रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करते हुए नहीं था, ये मोस्टली जो ब्लॉगर हैं आज के टाइम में कर रहे हैं। और इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि ब्लॉगिंग कर सके। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी को हेट मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच।